खबर लोहाघाट से है, जहां सुई लिफ्ट पेयजल परियोजना का एक बार फिर से पाइप फट गया है और आसपास के इलाकों में पीने के पानी के लिए अफरा तफरी का माहौल मच गया है। सुई लिफ्ट योजना की पेयजल लाइन छमनिया राजकीय पॉलिटेक्निक गेट के समीप लीकेज हो रही है, जिससे हजारों लीटर पानी भी बर्बाद हो रहा है। पांच गांव सुई में पेयजल संकट गहराने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जल संस्थान की लापरवाही से हर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। ग्राम सभा सुई पौ छमनिया कालाकोट चमनपुर सातखाल चनकांडे आदि गांव के ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं। पाइपलाइन फटने से डेली हजारों लीटर पानी भी बर्बाद हो रहा है। उप प्रधान योगेश ओली, सामाजिक कार्यकर्ता संजय चतुर्वेदी, लीलाधर चतुर्वेदी, भुवन चंद्र, महेश चंद्र, अमित कुमार इत्यादि लोगों ने बताया कि गाँव में जल संकट बना हुआ है और लोग प्राकृतिक जल स्रोतों से और हैंडपंपों से सिर पर पानी ढोकर अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। कभी चौथे दिन तो कभी सप्ताह में दो बार पानी आ रहा है, वह भी महज 20 से लेकर 30 मिनट तक। लाइन की लीकेज से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों ने जल संस्थान विभाग से शीघ्र इस समस्या का समाधान करने की मांग की है और इसका अस्थायी समाधान करने की भी मांग की है। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विगत कुछ दिनों से ग्राम पंचायत में पानी की बहुत ही दिक्कत हो रही है और जिसका नतीजा यह है कि यहाँ पर देखिए आप, पूरी पाइपलाइन लीकेज हो रखी है, जिस कारण ये पानी हमारे पौ ग्राम पंचायत नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा जल संस्थान के सभी कर्मचारियों से निवेदन रहेगा, कृपया इस पाइपलाइन को की सुधार करके जल्द से जल्द गांव में पानी पहुंचाने का कष्ट करेंगे। उधर जल संस्थान के अभियंता पवन बिष्ट ने कहा कि लाइन लीकेज होने का मामला संज्ञान में आया है, जल संस्थान के कर्मचारियों को भेजकर इसे ठीक करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पेयजल लाइन काफी पुरानी हो चुकी है, जो कि पानी के प्रेशर से फट जा रही है। गाँव के लिए नई पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी चल रहा है। 1978 की हमारी पेयजल योजना, चलिए करीब हमारे इसमें 42-43 साल की इसकी हो गई है अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत, क्योंकि इसकी राइजिंग मेन जो है हमारा प्रेमनगर से जो है गलचौड़ा तक जाती है, जो करीब 2300 मीटर है। तो इसमें अभी हम जो है नई, क्योंकि ये 40 साल पुरानी हो गई, तो जिससे लाइन की एज होने से तो हम कहीं पर रिपेयर करें तो वीकर सेक्शन पर फिर लाइन जो है डैमेज हो रही है, तो उसमें हमने पूरी लाइन को रिप्लेस करने का प्रावधान कर उसमें अभी काम भी चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली 3-1 हफ्ते में हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद ये समस्या भी ऑटोमेटिकली सुलझ जाएगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।